हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार फटाफट से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए शानदार तरीके से। आज भी एक इम्पॉर्टेंट डे है, मतलब आज भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है आप सभी लोगों के लिए। किससे रिलेटेड है सर? हिस्ट्री के टॉपिक आज करवाने वाला हूँ, हिस्ट्री का एक टॉपिक करवाने वाला हूँ। कुल मिला के 15-20 क्वेश्चन के आसपास करवाऊंगा, मगर सेशन जो है आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। तो ज़रूर सेशन को फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल पे जो भी नया बच्चा जुड़ा है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो देख सकते हैं आप, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं फटाफट से एक बार फाइल आपकी लगा देता हूँ। चलिए जी, रैपिड फायर तरीके से नहीं करते, थोड़ा सा समझ समझ के करेंगे, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी थी ना, वो निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए, जो महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती, मराठी, इंग्लिश या फिर हिंदी? क्वेश्चन पहले भी पूछा गया एग्जाम में, और क्वेश्चन के दोबारा भी पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में या महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो देखिए, एमजी गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, एमके गांधी की अगर यहाँ पर हम बात करें, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग जानते हैं, कहाँ पर जन्म हुआ था, पोरबंदर के अंदर, पोरबंदर गुजरात के अंदर इनका जन्म आपको नज़र आ जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें तो गुजराती भाषा में लिखी हुई आपको नज़र आएगी, और किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ की, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब किस किताब की बात कर रहा हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ नाम की किताब की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या मिल जाएगा, इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, विच टेल्स अबाउट हिज लाइफ, जो कि उनके जीवन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ आपको बताती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, विद माई ट्रूथ, क्लियर। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं सर, गांधी जी वापस कब आए थे? गांधी जी वापस आए और उस दिन हम क्या मनाते हैं, तो 9 जनवरी को सालाना हम मनाते हैं एनआरआई डे, ठीक है ना। एनआरआई डे हम मनाते हैं, पहली बार कब मनाया, पहली बार हमने मनाया 2003 में, 2003 में, और 9 जनवरी 2015 से हमने ये ऐलान किया कि अब ये दिवस जो है वो 2 साल में एक बार मनाया जाएगा, सिंस 2015 ये ऐलान किया कि 2 सालों में एक बार मनाया जाएगा ये वाला दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है गुजराती। इसके साथ साथ एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जो 2023 में मनाया गया एनआरआई डे 9 जनवरी को, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है। इसमें जो गेस्ट आपको मिल जाएंगे, इसमें गेस्ट कौन थे और उनका नाम यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, ये इंदौर में किया गया था, जितना मुझे याद है 3000 के आसपास एनआरआई जो थे वो पार्टिसिपेशन करने के लिए इसमें पहुँचे थे। कौन से देश के जो अध्यक्ष यहाँ पर आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, उनका नाम बस कमेंट करके बता दीजिए, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्वेश्चन, कहीं कोई पॉइंट यहाँ से नहीं छूटता। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यो चेम्सफोर्ड अधिनियम पर आधारित है, 1892, 1909, 1919 या फिर 1935। अगर हम बात करें 1909 के बारे में, तो इसे हम जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से इसे हम जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। मॉर्ले कौन था सर? मॉर्ले उस समय आपको मिल जाएगा भारत मंत्री, ठीक है, भारत मंत्री या भारत सचिव की पोस्ट पर आप बोल सकते हैं। ये भारत मंत्री की पोस्ट कब बनाई गई थी, ये भारत मंत्री की पोस्ट बनाई गई थी, अलग से लिख लेना, भारत मंत्री की पोस्ट कब बनाई गई थी, यहाँ पर ब्रैकेट पर लिख लेना, 1858 में। मिंटो कौन था सर? मिंटो उस समय वाइस सेरॉय या फिर गवर्नर जनरल के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर ये जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ मिंटो को ही कहा गया है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉल के नाम से भी आप इसी को जानते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। मतलब कि जो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक जो कहा गया है वो मिंटो को ही कहा गया है, ये पॉइंट भी याद रखना, बेसिक मगर इम्पॉर्टेंट। और यहीं पर इसी अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया था इलेक्शन में, ठीक है, मुस्लिम
रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन इन इलेक्शंस, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चुनावों में मुस्लिम्स को जो है वो रिजर्वेशन दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बारे में, तो इसी को हम कहते हैं मॉन्टेग्यो चेम्सवर्ड रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट थी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली बार महिलाओं को फीमेल गॉट वोटिंग राइट, फीमेल गॉट वोटिंग राइट, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। यहीं पर सर एंग्लो इंडियंस को इलेक्शन में रिजर्वेशन दिया गया था, एंग्लो इंडियन गॉट रिजर्वेशन इन इलेक्शन, तो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया गया था, गॉट रिजर्वेशन इन इलेक्शन, तो इलेक्शन में चुनावों में एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दिया गया, फीमेल्स को वोटिंग राइट दिए गए, महिलाओं को मत डालने का अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ पहला देश कौन सा था दुनिया का वेयर वुमेन्स गेट फर्स्ट वोटिंग राइट, वुमेन्स गेट वोटिंग राइट, फर्स्ट कंट्री यहाँ पर आपको कौन सी देखने के लिए मिल जाएगी, तो पहला देश आपको मिल जाएगा सर देखने के लिए वो न्यूजीलैंड। ये पॉइंट भी बेसिक है मगर इंपॉर्टेंट है। सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर पब्लिश द जर्नल हरिजन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने जर्नल हरिजन प्रकाशित किया था। चलिए क्लास को लाइक और क्लास को शेयर जरूर कीजिए सर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की किताब आपको मिल जाएगी कौन सी, तो राजेंद्र प्रसाद की किताब जो आपको मिल जाएगी उस किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड करके, इंडिया डिवाइडेड करके एक पुस्तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी राजेंद्र प्रसाद की। इस सवाल का सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ज्योतिराव फुले के द्वारा, हरिदास ठाकुर के द्वारा, भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब के द्वारा या फिर घसीदा के द्वारा। चलिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिए, निम्नलिखित में से वो कौन था जिसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की कहाँ गई थी, इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र के शहर पुणे के अंदर, महाराष्ट्र पुणे के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। साल कौन सा था, 1873 के आसपास, 1873 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ज्योतिराव फुले, सावित्रीया फुले, ठीक है ना, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, ज्योतिराव फुले, इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ईयर्स मैंने आपको बता दिए, इसके साथ साथ मैंने आपको क्षेत्र बता दिया कौन सा था। अगला सवाल है, आंध्रा महिला सभा का संस्थापक यहाँ पर कौन मिल जाएगा। चलिए पंडिता रामाबाई आपको मतलब बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मिल जाएंगे सर, कई सारी भाषाओं की जानकार थी हैं, मैंने मास्टर्स में पढ़ा है इनके बारे में, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस जब मैंने किया तो मैंने पंडिता रामाबाई के बारे में पढ़ा है, अच्छे खासा इन्फॉर्मेशन इनकी मैंने पढ़ी है। दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी, सरोजनी नायडू। चलिए आंध्रा महिला सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, इन्हीं को आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, इन्हीं को हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज आयरन लेडी। और सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, दुर्गाबाई देशमुख जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बेसिक है मगर रेलिवेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कलर इन नेशनल फ्लैग सिग्निफिकेंस या सिग्निफाइज, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो हरा रंग आपको मिल जाता है वो क्या दर्शाता है, सवाल यहाँ पर ये है। अगर हम बात करें सर नेशनल फ्लैग के बारे में, तो झंडा कब अडॉप्ट किया गया था, एक पॉइंट तो ये बनता है, तो वो डेट थी 22 जुलाई 1947 को, किसने अडॉप्ट किया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक। झंडा किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, तो विंग्याली पेंक्या, ठीक है ना, पिंग्याली वेंक्या के द्वारा झंडे को डिज़ाइन किया गया था, वो आप जानते हैं, ठीक। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर झंडे के बारे में, तो हम सभी लोग जानते हैं कि झंडे में जो ट्राई कलर हैं, ट्राई कलर जो झंडे में आपको दिख जाते हैं, इसके लिए बिल पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, इसको प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या बिल था, बिल कुछ इस प्रकार था, झंडे में जो तीनों रंगों का अनुपात है वो समान होना चाहिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिल रखा जिसे प्रस्तावित, जिसे पास कर दिया गया, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा मेजॉरिटी के आधार पे, ठीक है।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें पहली बार फ्लैग को कहाँ होस्ट किया गया था, तो साल 1929, आपने 1930 पढ़ रखा होगा, 1929 रावी नदी के किनारे पर, ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी, रावी नदी के किनारे पर ट्राई कलर फ्लैग को यहाँ पे या झंडे को होस्ट किया गया था। ये भी याद रखना, बेसिक मगर इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिंगाली वेंकैया भी याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है, आंध्र से बिलोंग करते थे वो, आंध्रा से। अब जवाब दे दीजिए, हरा रंग क्या दर्शाएगा? चलिए, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन कलर। सैफ्रॉन क्या दर्शाएगा सर, ये भी पूछ सकता है, देखो बेसिक है मगर पूछ सकता है सर, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर करेज, ये क्या दर्शाएगा? करेज। वाइट क्या दर्शाएगा सर? वाइट ट्रुथ को दर्शाएगा, ठीक है। किसे दर्शाएगा? ट्रुथ और प्योरिटी को, सत्य और ट्रुथ एंड प्योरिटी को दर्शाएगा सर। क्या ये दर्शाएगा सर? यहाँ पे वाइट। और अगर हम ग्रीन की बात करें, ग्रीन का दर्शाएगा तो रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, मिट्टी का, मिट्टी और समृद्ध से संबंध यहाँ पर आपको दर्शाएगा, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, पिंगाली वेंकैया साहब के द्वारा भारत के झंडे को डिज़ाइन किया गया था और इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को भी डिज़ाइन किया गया था, इसीलिए इतना सिमिलर आपको देखने में मिल जाता है। इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि चरखा, जो कपड़े वाला चरखा था वो लगाते हैं, मगर उसके स्थान पर अशोक चक्र जो है वो लगाया गया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सर, कई बार ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी और मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगी। अगला सवाल है, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा? दांडी, साबरमती, सेवाग्राम या फिर पवनवर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। डेट क्या थी सर? डेट थी 12 मार्च, डेट थी सर 12 मार्च 1930, और ये एंड कब हुआ? ये एंड हुआ सर 6 अप्रैल 1930 को, 1930 में, ठीक है। कई सारी जगहों पे 5 अप्रैल भी दिखा देता है, मगर एसएससी ने एक बार 6 अप्रैल एक्सेप्ट किया था, तो हमें वही याद रखना है। एसएससी ने एक बार दांडी तो एक्सेप्ट किया और बोला दांडी में कहाँ से शुरू हुआ था, तो नवसारी से, ऐसे भी पूछा था एक बार एसएससी ने सवाल, दांडी में कहाँ से, तो दांडी में नवसारी से, कहाँ से? नवसारी से। दांडी में वो कौन सा स्थान मिल जाएगा? तो दांडी में जो स्थान मिल जाएगा वो नव सारी मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए फटाफट से, एंड कहाँ पर हुई? शुरू तो यहाँ पर हुई, शुरू यहाँ से हुई, एंड कहाँ पर हुई, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। अगला सवाल है, आत्मीय सभा प्रिकर्सर इन द सोशो रिलीजियस फॉर्मर्स इन बंगाल, प्रिकर्सर हु एस्टैब्लिश द आत्मीय सभा अ प्रिकर्सर इन द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन रॉय या फिर अरबिंदो घोष? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। बढ़िया सवाल है सर, ईयर के साथ पूछेगा सर, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित आपको क्या मिल जाएगा? हाल फिलहाल में एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साल था कौन सा? 1897 1897। राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, या ब्रह्मो सभा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? ठीक है, ब्रह्मो सभा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 1828 1828, यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ अरविंदो जी और दयानंद सरस्वती यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बताइए DAV पहला कहाँ पर बनाया गया था और DAV की फुल फॉर्म क्या है? DAV की फुल फॉर्म क्या है? कई सारे DAV स्कूल्स आपने देखे होंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये फर्स्ट कहाँ पर बनाया गया था, इसकी फर्स्ट स्थापना कहाँ की गई थी? 1875 1875 के आसपास आपको मिल जाएगा आर्य समाज। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वही स्क्रीन पर है, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सर बेसिक है मगर इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा की संस्थापक यहाँ पर कौन मिल जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी ही सवाल का सही जवाब है, राजा राम मोहन रॉय। साल था 1814, स्थान था कोलकाता। 1814 स्थान क्या था सर? स्थान यहाँ पर आपको कोलकाता देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिक है मगर रेलिवेंट है सर, मतलब एग्ज़ाम में आप बोल सकते हो कि अच्छी खासी रेलिवेंसी है इस सवाल की, अच्छे खासे बेसिस के तरीके से ये क्वेश्चन आपको की परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा?
रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1919, अगर आपने संडे, ठीक है, संडे मतलब सैटरडे संडे को जो पेपर करवाया ऑलिव बोर्ड ने, 2 और 3 तारीख को जो पेपर हुआ है ना सीजीएल मेंस का, उसमें ये सवाल स्टेटमेंट में था, 3 स्टेटमेंट दे रखी थी कि रॉलेट एक्ट 1918 में आया था, इससे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया था, इस तरीके से सवाल पूछा गया था, तो आपको याद होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ये आपको मिल जाएगा सर कब, 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये आपको मिल जाएगा 1930। ठीक, अब जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के संदर्भ में ही ये समझौता हुआ था और ये एग्रीमेंट कहलाता है किस नाम से, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, 5 मार्च 1931। कौन सी डेट मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको तारीख मिल जाएगी सर 5 मार्च 1931, 5th of March 1931 यहाँ पर डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बार आप जवाब दीजिए, मैं पानी की बॉटल लाया। चलिए जी, वहाँ भी जाऊँगा, पानी लेने के लिए गया था थोड़ा सा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हम बेसिक सवाल है सर, हम लोग जानते ही हैं। एनी बेसेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कलकत्ता सेशन में, ठीक है, किसकी मदद से बनी थी, तो चितरंजन दास साहब की मदद से। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, एनी बेसेंट 1917, ठीक है, कलकत्ता सेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, चितरंजन दास साहब की हेल्प से। अगला सवाल देखिए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बदरुद्दीन तैयब जी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कमेंट करके जल्दी से बताइए सेशन कौन सा था और ईयर कौन सा था, मतलब किस जगह पर हुआ था वो और ईयर कौन सा था, ये 2 क्वेश्चनों के जवाब फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैवी इंडस्ट्रीज इज अ सिनोनियम ऑन ऑफ डेवलपमेंट, हु सेड, किसने कहा भारी उद्योग विकास का पर्याय है, मतलब सिनोनियम है, ठीक है, सिमिलर वर्ड है, हैवी इंडस्ट्रीज जो है सर विकास का पर्याय है, सिनोनियम है, ये बात किसने कही, ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है आपके एग्जाम में, मतलब सीधा सटीक तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टिक हो सकता है, आ सकता है। मैंने आपको कल 5-ईयर प्लान पढ़ाया था, तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान की अगर हम बात करें उसका उद्देश्य क्या था, तो सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट बनाने का कोशिश वहाँ पर देखी गई थी, और हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मेरे ख्याल से वो भी था, ठीक है ना, हैवी इंडस्ट्रीज। सेकेंड और थर्ड 5-ईयर प्लान यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इनका संबंध किससे था, तो हैवी इंडस्ट्रीज से यहाँ पर आपको इसका संबंध देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्टेटमेंट आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिनोनियम है डेवलपमेंट का, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिनोनियम है डेवलपमेंट का, यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसके द्वारा मिल जाएगी, तो ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
अगला सवाल है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने? क्या रहेगा सर सवाल का सही जवाब? स्वराज पार्टी की स्थापना आपको मिल जाएगी 1 जनवरी 1923। स्थापना लिखनी है, लिख लीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना आपको मिल जाएगी 1 जनवरी 1923। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 आपको मिल जाएगा, जब रॉलेट एक्ट वाली घटना हुई। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके चलते महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दिया। टाइटल्स वाइटल्स अपने जो भी उपाधियां थी वो भी दे दी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि टाइटल को वापस कर दिया। अब सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी, अंग्रेज़ भी जो थे वो दबाव को फील कर रहे थे। मगर साल 1922 में 4-5 फरवरी 1922 के दिन एक ऐसी घटना घटी जिस घटना के चलते महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। वो घटना थी चौरा चौरी की घटना, जहां पे पुलिस स्टेशन के साथ पुलिसकर्मियों को भी फूंक दिया गया लोगों के द्वारा। और गांधी जी अहिंसा में ही बिलीव करते हैं, मतलब हिंसा में बिलीव नहीं करते, अहिंसा में बिलीव करते हैं। अहिंसा सत्य इनमें ही वो बिलीव करते हैं। और जब गांधी जी को ये पता चला तो गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इससे बड़े बड़े जो नेता थे सारे के सारे गांधी जी से नाराज़ हो गए। मगर अंग्रेज़ों को भी यहाँ पर मौका मिला। जैसे ही नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में जब ये एक घटना घटी, अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उठाकर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। और जब कांग्रेस को बैन कर दिया गया उठा के, और कोई पार्टी का रास्ता था नहीं, और सभी बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया, तब कांग्रेस के अधीन ही एक और पार्टी का निर्माण किया गया, जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, कांग्रेस के इंटरनल तरीके से ही। और इसके जो अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे चितरंजन दास। और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहते हैं इस पार्टी को बनाया गया था, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्म्स फाउंडर्ड आर्य समाज, निम्नलिखित में से वो कौन यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसने आर्य समाज की स्थापना करी। ऑलमोस्ट मैं इनसे संबंधित मैक्सिमम पॉइंट्स आपको पीछे बताते हुए चला ही हूँ, तो आपको याद ही रहेंगे। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए यहीं पर पीछे हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन के बारे में, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई पढ़ के आए हैं, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ठीक। तो यहाँ पर किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पर आपको आर्य समाज की स्थापना देखने के लिए मिल जाएगी। साल 1875, स्थान बॉम्बे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्थान क्या मिल जाएगा? बॉम्बे। और ये जो क्वेश्चन है सर 15वां, ये आपके होमवर्क के रूप में है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका HW रहेगा, और साथ साथ इस क्लास की PDF जो है वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है 8882103915। ये यहाँ पर आपको इसका व्हाट्सअप नंबर जो है, व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।